क्वेश्चन नंबर वन है वो लिटरली हर एक बच्चे का क्वेश्चन होगा, दैट इज टाइम कैसे मैनेज करें। और अगर आप इस प्रोसेस को सीरियसली फॉलो कर रहे हो फिर तो डिस्ट्रैक्शंस का सवाल ही नहीं उठता। आप अपने काम में अपने पढ़ाई में इतने बिजी हो जाओगे कि इंस्टाग्राम चलाना, टाइम पास करना, ये सारी चीज़ें करने का आपका खुद का ही मन नहीं होगा। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप ही के क्वेश्चंस, दैट इज असाइनमेंट, नोटबुक्स, ओरल्स, प्रैक्टिकल्स, प्रीलिम्स, बहुत कुछ है। टाइम कैसे मैनेज करें, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन जो पढ़ाई की है वो याद नहीं हो पाती, बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कम टाइम में ज़्यादा कैसे पढ़ें, ज़्यादा एफिशिएंटली कैसे पढ़ें, अगर आपके भी यही सारे डाउट्स हैं दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और मैं पहले ही बोल देता हूँ, आप ये वीडियो को एंड तक तभी देखना अगर आपका ये गोल है कि आपको 10th बोर्ड एग्जाम्स में टॉप स्कोर करना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। गोइंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर वन। अब जो क्वेश्चन नंबर वन है वो लिटरली हर एक बच्चे का क्वेश्चन होगा, दैट इज टाइम कैसे मैनेज करें। अब मैं आपको बता दूं, टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। आपको करना क्या है, अपने जो डेली के टास्क हैं उनको इस तरह से मैनेज करना है कि आप पूरे दिन में अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर पा रहे हो, आपका टाइम ऑलरेडी मैनेज हो जाएगा। अब आप बोलोगे टास्क कैसे मैनेज करें। सो फॉर टास्क मैनेजमेंट आपको करना क्या है, एक टू डू लिस्ट बनानी है। अब टू डू लिस्ट नॉर्मल वाली नहीं, हम बात कर रहे हैं एडवांस वाली। अब एडवांस वाली कैसे, आपको करना क्या है, एक ब्लैंक पेज लेना है, उसके ऊपर लिखना है टुडेज टू डू लिस्ट और उसके अंदर 4 कॉलम्स बनाने हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, और एक ऐसा कॉलम जिस आपको वो टास्क लिखना है जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। अब इसको करने से होगा क्या, आप अपने पूरे दिन को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। सो नाउ फॉर एग्जाम्पल आपके प्रीलिम्स चालू हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट टास्क क्या होगा, पढ़ाई करना। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लस अर्जेंट टास्क क्या होगा, जो पेपर आने वाला है उसकी पढ़ाई करना। तो देखो इसी तरह से आपको इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, इस तरह के टास्क डिवाइड करने हैं और उनको पूरे दिन में कंप्लीट करना है। द मेन थिंग, टास्क तो सब लोग लिख लेंगे बट वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, बट आपको कंप्लीट करना है। अब देखो यार, अगर आप इसे फॉलो कर रहे हो तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो आपको लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। बट बिलीव इन मी, अगर आपकी ये हैबिट बन गई दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर होल लाइफ। अब ये जो 4 क्वाड्रेंट वाला रूल है ये मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि एक बुक है दैट इज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो कि स्टीफन कॉनवे ने लिखी है, और ये जो फॉर्मूला है 4 क्वाड्रेंट वाला ये उसी बुक का है, एंड दिस इज अ साइंटिफिकली प्रूवन मेथड। और अगर आप इस प्रोसेस को सीरियसली फॉलो कर रहे हो फिर तो डिस्ट्रैक्शंस का सवाल ही नहीं उठता। आप अपने काम में अपने पढ़ाई में इतने बिजी हो जाओगे कि इंस्टाग्राम चलाना, टाइम पास करना, ये सारी चीज़ें करने का आपका खुद का ही मन नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि हम पढ़ाई तो करते हैं बट इफेक्टिवली कैसे पढ़ाई करें, तो मैं आपको बता दूं, ओनली आवर्स डजंट मैटर। मैं आपको मेरे फ्रेंड की स्टोरी बताता हूं। अब वो जो बंदा था वो रात को 12 बजे सोता था और सुबह 4 बजे उठ भी जाता था, और सुबह उठने के बाद में उसका रूटीन क्या था, वो सुबह 4 बजे उठ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सुबह सुबह स्कूल जा रहा है, स्कूल से आने के बाद में पढ़ाई कर रहा है, क्लास जा रहा है, क्लास से आने के बाद में पढ़ाई कर रहा है, रात को सोने से पहले पढ़ाई कर रहा है, रात को 12 बजे सोता है, अगले दिन 4 बजे उठ के फिर से पढ़ाई कर रहा है, और लास्ट में जब उसका रिजल्ट आया ही गॉट 87%। तो इससे एक चीज़ तो साबित होती है, आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप कितने इफेक्टिवली कितने डीपली पढ़ाई कर रहे हो ये ज़रूर मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि 5 घंटे की पढ़ाई को सिर्फ 2-3 घंटे में निपटा लेंगे, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं बट फिर भी एक चैप्टर अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं उन्हें याद ही नहीं हो पाता है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, इसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न है इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का। अब आपको करना क्या है, आपका जितना भी टाइम यूजेज है सोशल मीडिया का उसे जितना हो सके उतना मिनिमाइज कर दो। एक काम करते हैं, हम एक दूसरे को चैलेंज देते हैं, मैं खुद भी मेरा सोशल मीडिया का जितना भी टाइम है उसे ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज करने की कोशिश करूँगा, ना कि बराबर यूज़ करूँगा। इसीलिए आप कमेंट सेक्शन में अभी जाके लिखो, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम फ्रॉम टूडे इट्सेल्फ। मैं खुद भी ये लिखूंगा और हम सब इसको एक साथ फॉलो करेंगे, क्योंकि जो ये शॉर्ट कल्चर चल रहा है, स्वाइप अप कल्चर चल रहा है यूट्यूब शॉर्ट्स इंस्टाग्राम रील्स का, उसकी वजह से हम जो भी पढ़ रहे हैं वो याद नहीं हो पा रहा है। इसे आज ही रोकना होगा, साथ में रोकेंगे। और हाँ, आपके मार्क्स को कहीं ना कहीं आपका फ्रेंड सर्कल भी अफेक्ट कर रहा है। कैसे, क्योंकि एक कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड योर मोस्ट ऑफ द टाइम विद। अब आपके केस में वो हो जाता है आपके क्लास के जितने भी बच्चे हैं, अगर आपके जो भी टॉप 5 फ्रेंड्स हैं अगर वो सब स्टडीज में एवरेज हैं आप भी एवरेज ही रहोगे। आपको क्या करना है, आपको भी अपने क्लास के टॉपर्स के साथ बैठना है, उनके साथ लेक्चर्स अटेंड करना है, आपको अपना लेवल पता चल जाएगा। प्लस
प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। आपने जो भी अपनी टू डू लिस्ट बनाई है, जो कुछ भी आपने सेट किया है, अपने डेली के गोल सेट किए हैं, उनको फॉलो करना है बिना प्रोक्रेस्टिनेट किए। अगर आप अपने टास्क को रेगुलरली मैनेज कर पा रहे हो, आपका टाइम ऑलरेडी मैनेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आज का असाइनमेंट मिला है, आप उसे कल पर मत छोड़ो, आप उसे आज ही कंप्लीट कर दो। एंड यस, कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहो, योर एफर्ट्स विल डेफिनेटली गिव यू रिजल्ट्स। प्लस अगर आपके जो भी डाउट्स हैं, जो कि आपको एक सीनियर से पूछना है जिसने रिसेंटली बोर्ड एग्जाम खुद बैठ के दिया है, आप उसे नोट डाउन कर लो। हम बहुत जल्दी एक लाइव सेशन रखने वाले हैं, वो भी डाउट सॉल्विंग के लिए। सो अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें प्रिपेयर रखना। एंड प्लस अगर आपको भी जानना है कि मैंने खुद ने सब्जेक्ट्स में इतने अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर किए, फॉलो दिस प्लेलिस्ट, आपको ज़रूर हेल्प होगी। थैंक यू।